दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब है बदले की बारी। रोहित के चेले सूर्य कुमार यादव ऑस्ट्रेलिया से लेंगे पूरे हिंदुस्तान के आंसुओं का इंतकाम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के लिए सूर्य बने भारत के कप्तान तो खुशी से उछल पड़ी उनकी पत्नी देविशा शेट्टी। और अब सूर्य कुमार यादव को ऑल द बेस्ट कहते हुए टीम इंडिया के बदले की बात कर उन्होंने जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो आप भी देविशा और सूर्य की जोड़ी पर फिदा हो जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या कुछ रहा सूर्य के कप्तान बनने पर उनकी पत्नी देविशा का रिएक्शन, वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य, रोहित और कोहली में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जहां एक तरफ फाइनल के जख्मों को मिले अभी 24 घंटे का समय भी नहीं हुआ था कि इतने कम अंतराल में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है, जिसमें एक से बढ़कर एक बड़े बदलाव हुए हैं। कई खिलाड़ियों का करियर समाप्त हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव को टीम की कप्तान सौंप दी गई है। वहीं श्रेयस अय्यर आखिरी 2 मैच में टीम के साथ जुड़ेंगे और उपकप्तान की भूमिका भी निभाएंगे। यानी कि कुदरत ने हमें 24 घंटे के भीतर ही कंगारुओं से पुराना हिसाब किताब चुकता करने और फाइनल का बदला लेने का मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज में भारत को 5 T20 खेलने हैं। ये सीरीज 23 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच खेली जाएगी। वनडे विश्व कप टीम में शामिल 3 खिलाड़ियों को इस टीम में मौका दिया गया है। बाकी सभी सीनियर खिलाड़ियों को इस T20 सीरीज में आराम दिया गया है। इनमें से कप्तान सूर्य कुमार ही ऐसे हैं जिन्होंने अधिकतर मैच खेले थे। उनके अलावा ईशान किशन भी टीम में है, जिन्हें शुरुआती 2 मुकाबले खेलने का मौका मिला था। हार्दिक पांड्या के चोटिल होने पर विश्व कप टीम से जुड़ने वाले प्रसिद्ध कृष्णा भी मौका पा चुके हैं। हालांकि उन्होंने इस टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं खेला। वनडे विश्व कप में 2 शतकों की मदद से 500 से ज्यादा रन बनाने वाले श्रेयस अय्यर भी सीरीज के आखिरी 2 मुकाबलों में उपकप्तान के रूप में खेलेंगे। तो वहीं युवा टैलेंट को BCCI ने T20 के लिए इस बार भी प्रेफरेंस दी है। यशस्वी जायसवाल से लेकर तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार, शिवम दुबे जैसे युवा सितारे ऑस्ट्रेलिया से पूरी हिंदुस्तान की आंसुओं का इंतकाम लेने के लिए बहुत जल्द मैदान में कदम रखने वाले हैं। तो वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव से पूरे देश को उम्मीद होंगी। यहां तक कि जैसे ही ये न्यूज सामने आई, उनकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। अब देविशा ने सूर्य से एक स्पेशल मांग करते हुए कहा कि बहुत बहुत बधाई हो सूर्य, गम के इस माहौल में कम से कम एक खुशखबरी तो हमारे लिए आई है। ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास बदला लेने का पूरा मौका है। हालांकि T20 सीरीज में जीत विश्व कप की बराबरी तो नहीं कर सकती, लेकिन हम अपने गम को बदले की आग में थोड़ा ठंडा तो कर ही सकते हैं। आप में टैलेंट था कि आप भारतीय टीम को लीड करें। आप जो काम वर्ल्ड कप में नहीं कर पाए, प्लीज वो ये T20 सीरीज में करिएगा। मुझे आप पर भरोसा है, केवल मैं नहीं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आप अपनी टीम के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया से केवल ये T20 सीरीज नहीं, बल्कि उन्हें 5-0 से क्लीन स्वीप कर हमारे आंसुओं को ठीक से हिसाब चुकता करिएगा। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, सच में देविशा ने तो पूरे हिंदुस्तान की डिमांड को शब्दों में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि T20 सीरीज के लिए किसे होना चाहिए था, भारत का कप्तान, रोहित कोहली या फिर सूर्य? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेकिन AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को ये बिल्कुल भी रास नहीं आया। असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि हमारी टीम इंडिया से अल्लाह की रहमत के चलते कमाल का खेल दिखाया, हम हारे हैं, हमें उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि खुदा की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। इसके पीछे भी कोई ना कोई राज जरूर छुपा होगा। हमारे खिलाड़ियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया अपने देश को जीत दिलाने के लिए। हमारी टीम काफी उतना काफी है कि ट्रॉफी और कुछ चंद मिनट का खराब खेल इतना कुछ मायने नहीं रखता। हम सभी को अपनी टीम पर गर्व है। लेकिन शमी ने मोदी जी के पैर छूकर सही नहीं किया। आप एक मुस्लिम है और आपको केवल अल्लाह के सामने सर झुकाना चाहिए था। मुझे नहीं पता आपको उनको मजबूर किया है या आपके मन में क्या चल रहा था, लेकिन ऐसा कर आपने हमारे धर्म को ठेस पहुंचाई है। उम्मीद है आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी तो हार के गम में भी अपनी नफरत की दुकान खोलकर बैठे हैं। लेकिन उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए अब नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि टीम इंडिया आपके टैलेंट और जज्बे से इस टूर्नामेंट को यादगार बनाया है। आपने हमेशा सच्ची खेल भावना और जीत के साथ खेला, हमारे देश के गौरव को अपने इस दरमियान ने कई गुना बढ़ाया और इस हार से हम बिल्कुल भी खफा नहीं है। देश और इसके करोड़ों देशवासी आप लोगों के साथ आज भी खड़े हैं और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। सभी आप पूरे टूर्नामेंट में हीरो रहे हैं, हम सभी को आप पर गर्व है। आपने मेरे पैर छुए, मैं बेहद खुश हूं। लोगों का काम है नफरत बांटना, लेकिन आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि आपने अपना 100% दिया और आपका साथ देने वाले लोग बहुत खुश है। बस खुद पर भरोसा रखिए और समय के साथ आगे बढ़ते रहिए, ये दिन भी बीत जाएगा। तो दोस्तों, सच में नरेंद्र मोदी जी ने तो दिल ही जीत लिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि शमी और कोहली में कौन सा मैन ऑफ द टूर्नामेंट का असली हकदार है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यहां तक
तक की रोहित की पत्नी रितिका ने भी भावुक मन से कहा कि मैं अभी से हैरान हूं कि आखिर फाइनल जैसे इतने अहम मुकाबले में इस कदर गलती कैसे की जा सकती है। रोहित का विकेट था, यदि एम्पायर उसे चेक करते तो वो नॉट आउट थे, लेकिन एम्पायर ने उनके विकेट की कोई वैल्यू नहीं समझी। केवल एक नहीं कई दफा भारत के साथ चीटिंग हुई है। ऐसा लग रहा था कि एम्पायर चाहते ही हैं कि ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीते। ये हमें बर्दाश्त नहीं है, हमें अपनी हार मंजूर है, लेकिन बेईमानी से यदि कोई हमसे जीते तो हम उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। मैं आईसीसी से अपील करना चाहती हूं कि एक बार फिर रोहित के विकेट और इस पूरे मैच को दोबारा से चेक किया जाए, और यदि ऑस्ट्रेलिया और एम्पायर दोषी पाए जाते हैं तो फिर हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। तो केवल वही नहीं, अब तो रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने भी कह दिया है कि क्या सच में फाइनल मुकाबला पहले से फिक्स था? ये मेरा नहीं, लोगों का सवाल है। पहले तो मैं इन सब बातों में नहीं मानती थी, लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और एम्पायर का रुख रहा है, मुझे तो अब दाल में जरूर कुछ काला लग रहा है। कैप्टन रोहित नॉट आउट थे ये तो कोई भी बता सकता है, लेकिन इतने बड़े मंच पर इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? एक बार बीसीसीआई को जरूर इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम इसे माफ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि केएल राहुल की पत्नी आतिया शेट्टी का मानना है कि हर कोई बेहद निराश है कि हम हार गए, और जब सुनने में आता है कि हमारे साथ बेईमानी हुई है, तब तो मेरा इस खेल से भरोसा ही उठ जाता है। हम इस खेल को धर्म की तरह पूछते हैं, यदि इन बातों में सच्चाई है तो इससे हमारी भावनाओं को क्षति पहुंची है। हमारी टीम क्रिकेट को सच्ची भावना से खेलती है, हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो हमारे साथ बेईमानी हो हमें ये बर्दाश्त नहीं है। एक नहीं कई मुद्दों पर हम ऑस्ट्रेलिया और एम्पायर को घेरेंगे। आईसीसी से हमारी ये गुहार तब तक रहेगी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। तो वहीं दोस्तों, अंत में अनुष्का शर्मा ने कहा है कि कोहली तो रात भर रोते रहे थे, उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब ये बात सामने आई कि रोहित शर्मा नॉट आउट थे, तब तो मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे भरोसा नहीं हुआ, तब मैंने दोबारा रिप्ले देखा और मुझे पता चला कि हाँ, सच में रोहित तो नॉट आउट थे और एम्पायर ने जानबूझकर अपनी गलती छुपाई। ये बात इतनी आसानी से दबेगी नहीं, आईसीसी को इसकी जांच करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भारतीय क्रिकेट इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने वाला है। तो दोस्तों, सच में हर कोई बेहद गुस्से में आईसीसी से मैच दोबारा करने की डिमांड कर रहा है, लेकिन अब आपको क्या लगता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का फाइनल दोबारा होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन कुछ अभद्र फैंस जो खुद को क्रिकेट प्रेमी बताते हैं, वो ऐसी हरकतों पर उतर आए जिसकी उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी। दरअसल स्टेडियम में मैक्सवेल की पत्नी विनी रमन जो भारतीय हैं, वो भी उन्हें सपोर्ट करने आई थी। ऑस्ट्रेलिया की जीत पर वो बिल्कुल खुश थी क्योंकि मैक्सवेल ने विनिंग शॉट लगाया था, लेकिन ये कुछ वहां मौजूद भारतीय फैंस को पसंद नहीं आया। उन्होंने उनके साथ बदतमीजी करना और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उन्होंने विनी रमन को कुछ ऐसी बातें कह दी जिन्हें सुनकर कि किसी का खून खौल जाए। वहां पर माहौल बिगड़ता देख विनी रमन सिक्योरिटी के साथ वहां से चली गई, लेकिन वो फैंस इतने में ही नहीं रुके। स्टेडियम के बाहर जब मैक्सवेल और विनी रमन जा रहे थे, तब भी भारतीय फैंस ने उन्हें गालियां दी और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अब तो सोशल मीडिया में भी उन्हें जमकर निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ खूब नफरत फैलाई जा रही है। ऐसे में अब ये विवाद बढ़ता देख मैक्सवेल को खुद सफाई देने आमने सामने आना पड़ा था, और अपने बयान में उन्होंने जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, मैक्सवेल ने कहा कि आप लोगों को जो कहना है मुझे कह सकते हैं, आपने मुझे पहले खूब प्यार दिया है, तो ऐसे में आप लोगों का गुस्सा भी मुझ पर मंजूर है, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने अपने देश को जीत दिलाई है और कोई भी खिलाड़ी यही करता है, पर आप मेरी पत्नी को इससे बाहर रखिए, वो तो खुद भारतीय है, वो मेरी जीत पर खुश थी, लेकिन वो दिल से चाहती थी कि टीम इंडिया ये वर्ल्ड कप जीते। ऐसे में मुझे पता है उसकी स्थिति क्या है, लेकिन उसी के देश के लोग उसे गुनहगार ठहराएं, ये मैं नहीं सह सकता हूं। मैं भारत से इतना प्यार करता हूं, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, ऐसे में थोड़ी सी नफरत के लिए हमारे इस बॉन्ड को खराब मत करिए। आप सभी से मैं माफी चाहता हूं, मेरा सलूट है भारत देश को, लेकिन यदि ऐसी हरकतें हमारे खिलाफ होती रहेंगी तो मुझे लगता है कि मैं विनी को कभी भारत वापस नहीं आने दूंगा। तो दोस्तों, सच में मैक्सवेल का तो अब दिल टूट गया है, वो अपनी पत्नी के खिलाफ हुई इन हरकतों से बेहद नाराज हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए या नहीं? इस हरकत पर आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे में अभी से कई पाकिस्तानी दिग्गजों का भी साथ मिला। जी हां दोस्तों, यहां तक कि शोएब अख्तर ने कह दिया, लोग कहते हैं भारत पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, लेकिन मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। मैं भारत के साथ बहुत खेला हूं और मुझे पता है विश्व में यदि कोई सबसे ईमानदार टीम है तो वो टीम इंडिया है। ये बात मैं अपने ईमान के दावे पर लगाकर कहता हूं।